मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि स्कोप जब मैं इंटर किया था, इंटरमीडिएट पास आउट हुआ था, तो ट्रेंड चल रहा था कि हर जगह आईटी का दौर था और सब ने कहा कि यार बीएस कंप्यूटर साइंस कर लो और इसका स्कोप बहुत स्कोप है, बहुत जॉब्स हैं, सब कुछ है। तो जब करने के बाद और अब जो है मुझे अंदाज़ा हुआ कि स्कोप बेसिकली वो आपके अंदर होता है और आपको वो स्कोप फाइंड आउट करना होता है कि किसी चीज़ में अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो है कोई यूएसपी रखा है, उसको फाइंड आउट कर लें। अगर आपने वो फाइंड आउट कर लिया तो फिर जो है आपका स्कोप पूरी दुनिया में आप ख़ुद क्रिएट कर लेंगे। और अगर वो यूनिक सेलिंग पॉइंट आप नहीं फाइंड आउट कर सकते तो आप कितनी ही कोशिश कर लें और तो आप एक मीडियोकर ही रहेंगे। खैर, मैं कोई बहुत अच्छा परफॉर्मर नहीं हूँ और मगर ये कह सकता हूँ कि अगर मैं आईटी में होता तो शायद मैं इतना नहीं करता जितना आज मैं चीज़ों में इन्वॉल्व होता हूँ। उसकी एक वजह ये है कि मेरा इंटरेस्ट ये है कि आपने जब मुझे कॉल की तो मैं सुबह 7 बजे निकला था और वहाँ से अभी 6 बजे ही घर आया था मैं, 6:30 बजे आपने कॉल की तो 7:30 बजे आपके सामने बैठा हूँ दोबारा। तो क्योंकि जब आपका एक आपका शौक ही आपकी अगर ज़रिए माश बन जाए तो हम कोर्स तो बहुत पढ़ते हैं कि इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है, मगर ये कि उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। तो इम्प्लीमेंट यही है कि आप अपने आप को फाइंड आउट करें कि आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं। और मेरे ख्याल में माँ बाप का भी ये काम है कि अपने छोटे बच्चों में देखें कि जो भी बहुत छोटे हैं कि वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उनको उसी लिहाज से ग्रूम करें और जिस तरफ वो जाना चाहते हैं उनको जाने दें। तो वो अगर उनका फ्री छोड़ देंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो अपनी जगह खुद ब खुद कुछ बना लेंगे। अगर सोशल प्रेशर आप रहेगा तो आप मेरे ख्याल में बाज़ औक़ात बहुत अच्छे लोगों को हम खो देते हैं। और शायद मेरे मामले में ये था कि मैंने जो करना चाहा तो मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे रोका नहीं, बल्कि ये कि दुनिया ने मुझे बोला कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम आईटी छोड़ के तुम एग्रीकल्चर में चले गए हो। मतलब आपको मैं ये बताऊँ कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान की मोस्ट अंडर प्रिविलेज्ड फील्ड है, दुनिया भर की सबसे लो पेइंग जॉब्स। अगर कहीं आप कहीं भी स्केल निकालते हैं तो सबसे लो पेइंग स्केल एग्रीकल्चर की है। वो यही वजह है कि अब ये जो आपकी इसी वजह से अब ये स्कोप जो है ना खुद चेंज होता जा रहा है। आप दुनिया भर में अगर देखें मीडियन एज तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर US में, ऑस्ट्रेलिया में वो 50 अबव मिलेंगे लोग, कि मतलब 50 साल से ऊपर के लोग हैं आधे से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। और ये बेसिक नीड है। और हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हमारी पूरी इकॉनमी जो ड्राइव हो रही है वो एग्रीकल्चर से हो रही है। अगर हमारी कोई इंडस्ट्री, हमारा कोई बैंक, हमारी कोई चीज़ भी चल रही है तो बेसिकली वो जो इनिशिएट होती है, जो आप कह सकते हैं एक्टिविटी, वो बेसिकली एग्रीकल्चर से हो रही है। और हमारे पास यहाँ पर गैप इतना है कि अगर थोड़ा सा भी किसी को इसको स्मार्टली देखे, और वो ज़रूरी नहीं है कि मैं एग्रीकल्चर पढ़ के ये बात कर रहा हूँ, कोई भी किसी भी और का भी फील्ड का शख्स उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, अगर आईटी सेक्टर का शख्स है उसमें वो जाके उसको इसको देखे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि बहुत सारा बहुत बड़ा गैप है। और अभी जब मोबाइल लिंक ने और फिर टेलीनॉर ने जो है वो एक बाखबर किसान और इस तरह से उन्होंने ये पोर्टल जो है लॉन्च किया है, तो वजह है उसको उनको नीड नज़र आई है। और हमारे यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू दुनिया में जो प्रैक्टिस हो रही है, और हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हमें तो R&D की भी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ दुनिया की जो अच्छी प्रैक्टिस हो रही है उन्हीं को लेकर आएँ पाकिस्तान में और हम उसी से जो है वो बहुत अच्छा बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और हर सेक्टर के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि ये अगर एज अ इंडस्ट्री इसको ले लिया जाए, जो कि अभी एज अ इंडस्ट्री नहीं है, ये फार्म स्ट्रीट फार्मिंग है पाकिस्तान में, मतलब लोगों की समझें कि लिविंग स्टाइल है फार्मिंग। जैसे मेरा घर है, 4-5 एकड़ ज़मीन है, जो मेजॉरिटी फार्म्स आपको ऐसे ही मिलेंगे, और वहीं पे मैं रहता हूँ, वहीं पे मेरी 2-4 गाय हैं, बकरी हैं, कुछ मुर्गियाँ हैं, 1-2 एकड़ पे मैंने गंदुम लगा ली, सब कुछ, ये एक पूरा सेटअप है, ये पूरे पाकिस्तान में रन हो रहा है। वो बेचारे इतने ही करेंगे जितना उनके समझ में आता है। अब उनकी फैमिली में से कोई पढ़ लेता है तो वो फिर कभी भी पलट के नहीं जाता। तो समझने वाली चीज़ ये है कि एक कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट फार्मिंग का, आप इसको एज अ इंडस्ट्री अगर लेके चलते हैं और उसके अंदर हर सेक्टर को अपना पार्ट प्ले करना है तो हम इसमें बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। हम सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में अब सर्विस सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है
एग्रीकल्चर के मुकाबले में, मगर ये कि हमारे पास स्टिल जो है बहुत सारी चीज़ों में थोड़ी सी, अगर हम उसमें कुछ कोशिश करते हैं उसकी, अगर हम थोड़ा सा ये करें कि हम अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर लें, कुछ ब्रांड इस्टेब्लिश कर लें, वैल्यू एडिशन कर लें, तो हम मार्केट में वो चीज़ भी हम ले सकते हैं। अगर कोई सप्लाई चेन का है, अगर वो सिर्फ किसी भी एक प्रोडक्ट को लेके उसकी सप्लाई चेन को थोड़ी सी जो है वो कंट्रोल कर ले, तो वो लॉसेस को कम कर सकता है। अब इसमें तो उसको एग्रीकल्चर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक कमोडिटी आएगी उसके टोटल कंट्रोल चेन सिस्टम को थोड़ा सा वो कंट्रोल कर ले तो वो लॉसेस कम कर देगा, और जब लॉसेस कम होंगे तो अल्टीमेटली प्रॉफिट आपका खुद ब खुद जो है वो बढ़ जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान में, ये तो हम काफ़ी अर्से से कहते आए हैं मगर अब शायद कुछ थोड़ी सी बेहतरी भी आई है इसमें, मगर ये कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है वो तकरीबन जो है वो अराउंड 40% है। कि अगर हम कोई 10 जो है किनू प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ जिसकी शेल्फ लाइफ कम है, तो हमारे तक, हम मंडी तक पहुँचते पहुँचते तक वो 6 रह जाती हैं, और वो हमारे पास पहुँचते पहुँचते तक तो और कम हो जाती हैं, और हमारे घर में पड़े पड़े भी वो कम और ख़राब हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली यूजेज तो नहीं है। इसमें ये हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको कम्यूट टाइम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर उसकी प्रोसेस करके उसको पल्प में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको वहाँ से लाया जा सकता है। तो हमारे पास ग्रे एरियाज़ बहुत सारे हैं, अगर थोड़ा सा कोई चीज़ को समझ के इसके अंदर अपने ही एक्सपर्टीज़ का पार्ट प्ले करेगा तो बहुत तेज़ी से चीज़ ग्रो हो सकती है। हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत पुअर है, सिर्फ ये नहीं पता होता कि हमें मार्केट में क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। उन्हें ये पता था कि लास्ट सीज़न में टमाटर बहुत महंगा हो गया था, तो इस सीज़न में सब टमाटर लगा लेते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो ग्लट सीज़न आ जाता है और वो फिर बेचने के काबिल भी नहीं रहता, जानवरों को खिलाना पड़ता है। तो अगर ये कोई स्मार्टली इस चीज़ को मूव करे किसी भी रीजन के अंदर, जैसे कराची को अगर फीडअप होता है वो मलीर से हो रहा है या लोअर सेंस एरिया को फीड कर रहा है, तो वहाँ की स्टेटिस्टिक ले ली जाए कि मार्केट से कितने इनपुट्स किस प्रोडक्ट के गए हैं, तो उसके पास एक आउटकम उसको मिल जाएगा कि यार कुछ उसको वहाँ से फोरकास्ट हो जाएगा कि आने वाले टाइम में हमारे पास क्या चीज़ ज़्यादा आने वाली है। और वो उस ग्लट सीज़न से फ़ायदा भी उठा सकते हैं बहुत सारे लोग, करते भी हैं। जैसा अगर टमाटर ज़्यादा हो गया, ग्लट सीज़न है, तो आप चीप टमाटर लेकर उसको प्रिजर्व कर लें, प्रिजर्व करके उसका पल्प निकाल लें, उसकी अब बहुत सारी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, कैचअप्स बन रही हैं, डिफरेंट चीज़ें। तो ये कि इसको लोगों को सोचने की ज़रूरत है। बेचारे जो लोग जॉब्स के लिए जो है वो मारे मारे फिरते हैं, तो अगर उनको थोड़ा सा जो, क्योंकि मैं स्पेशली उन लोगों से कह रहा हूँ जिनका बैकग्राउंड रूरल एरिया से है और वो पढ़ लिख के कराची आ जाते हैं और फिर वो जॉब ढूंढते रहते हैं, तो यार उनसे बोलेंगे जो एक्सपर्टीज़ आपने लर्न की है तो ऑब्वियसली वही चीज़ आप, अगर इकोनॉमिक्स है तो आप जाके अप्लाई करें अपनी फील्ड में, तो आपको उससे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ 25-30 हज़ार रुपये कमाने से बेहतर है कि वहाँ पर आप बहुत अच्छे कमा लेंगे, क्योंकि नीड तो है और आगे आने वाले जो टाइम है उसमें तो वही नेशन सर्वाइव करेंगी जो अपनी लोगों को खिला सकती हैं, और जो नहीं खिला सकेगी वो नेशन सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी। तो हमारे पास इश्यूज़ बहुत सारे हैं, हमें अपनी उन इश्यूज़ को जो है वो देखना पड़ेगा हमें।